नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो इसके बारे में बात करेंगे, ये जो कलर कोड है ये है क्या, और जो कार्बन रजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं। जो कार्बन रजिस्टर होते हैं हमारे, ये हमारे यूज किए जाते हैं, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर कार्बन के रजिस्टर यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये लाइट और कॉम्पैक्ट होते हैं, काफी छोटे स्मॉल साइज में होते हैं, और इनकी जो रेजिस्टेंस है अगर हम उसकी बात करें वो भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो है कार्बन रेजिस्टर का ज्यादातर यूज किया जाता है। इससे पहले हमने जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, R इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कुछ हमारे पास मेटल्स होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, इस तरह के कुछ भी जो मेटल्स हैं जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी जैसे सिल्वर की कम है, कॉपर की ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा होती है, टंगस्टन की उससे ज्यादा होती है, इस तरह से रेजिस्टिविटी है जो वो इंक्रीज करती है। इसी तरह से कुछ अलॉय भी होते हैं, अभी तो हमने मेटल्स की बात की, इसी तरह से कुछ अलॉयज भी होते हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया, उसके बाद जो है मैग्नीन आप ले सकते हैं, और उसके बाद कॉन्स्टेंटन ले सकते हैं, ये एलोएज होते हैं, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है अगर हम मेटल्स से कंपैरिजन करते हैं। और इनकी रेजिस्टिविटी तो ज्यादा होती ही है, और इनका जो स्मॉलर लेंथ होती है वो भी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज की जाती है, तो इस तरह के एलोएज का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाते हैं कार्बन रजिस्टर, जो इनसे भी अच्छे होते हैं, लाइट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसीलिए जो कार्बन रजिस्टर है लाइट होने के कारण, छोटे होने के कारण, उनको एक कलर कोड दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर जो कलर के बैंड्स हमारे पास होते हैं उसके थ्रू हम उसकी वैल्यूज का पता लगा सकें। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर ये क्या होता है। तो चलिए इसके लिए एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं बैंड कलर्स, यहाँ लेटर्स है, नंबर्स, मल्टीप्लायर, बैंड कलर और टोलरेंस। अभी इसको समझेंगे यहाँ पर ये क्या क्या चीजें हैं। बैंड कलर के अंदर हम ले लेते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। अब ये जो है हमारे बैंड कलर होते हैं। इसका याद करने का भी हमारे पास एक ट्रिक है, आप इन कलर्स को ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, यानी कि जो इनके पहले पहले जो इनके वर्ड हैं, जैसे बी है, जैसे यहाँ पर ब्लैक ब्राउन रोड्स का जो आर है इससे रेड, ऑफ का जो है ये ऑरेंज, वाई जो है ये येलो, जी जो है ये ग्रीन, बी जो है ब्लू, इस तरह से जो है इस लाइन के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं, इस पूरे पैटर्न को इसी तरह से चलेगा, ये याद रखना है, सीरीज में ही याद रखना है। ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और या फिर जो दूसरा आप याद रख सकते हैं, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो इस पैटर्न को याद रखने का कोई भी आप तरीका जो है अपना सकते हैं, लेकिन ये याद जो है सीरीज के अंदर ही रखना है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और लेटर्स जो हैं, जो इनके डिनोट करेंगे, जो आगे आगे वाले लेटर हैं, जैसे बी ब्लैक के लिए, बी ब्राउन के लिए, आर रेड के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, ये लेटर्स हैं, व्हाइट तक हम इसको लेंगे। जो नंबर्स है वो आप 0 से 9 तक ले लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मल्टीप्लायर आप लेंगे, यही जो है हमने नंबर लिए हैं इसको 10 की पावर कर देंगे, जैसे 0 है 10 की पावर 0, 1 है 10 की पावर 1, इस तरह से मल्टीप्लायर हो जाएगा। अब इस टेबल को हम समझेंगे कि ये है क्या और कैसे हम इससे वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर भी बैंड कलर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास दो कलर होंगे, गोल्ड और सिल्वर, और थर्ड लेंगे नो कलर, अगर बैंड का कोई भी कलर ना हो। तो इस तरह से ये तीन कलर हो गए। और टोलरेंस यानी कि जो उसकी सहन करने की क्षमता है प्लस में और माइनस में दोनों में, या कहें कि जो हम करेक्शन की बात करें प्लस माइनस दोनों में, तो ये इतनी है, प्लस माइनस 5% गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए इतनी, और नो कलर के लिए हम इतनी करते हैं जब वैल्यू को हम निकालते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और कलर कोड को, जो कार्बन रजिस्टर है उसको देखते हैं कि किस तरह से ये एक कार्बन रजिस्टर के ऊपर लगे होते हैं। तो इस तरह का मान लीजिए कोई भी कार्बन रजिस्टर है, और यहाँ पर इस तरह के बैंड बने होते हैं। अब ये जो बैंड्स होते हैं इसके थ्रू ही हम वैल्यूज का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको अगर नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी और डी, ये नाम दे दें, या 1, 2, 3, 4 कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे दें। जो यहाँ पर ये पहला कलर है, जो स्ट्रिप ए का कलर है,
ये हमें क्या दिखाता है, हमें लेफ्ट हैंड से चलना है, हमेशा इस तरफ से लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। तो ये सबसे पहला जो ए स्ट्रिप है, जो इसका कलर है, ये हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दिखाएगी रेजिस्टेंस की ओम के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। और जो सेकंड जो हमारा ये बैंड है, ये भी हमें सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर दिखाएगा, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से, ये भी ओम में होंगे सारे। जो सी है यानी कि ये जो थर्ड स्ट्रिप है, ये मल्टीप्लायर को दिखाएगा। और जो डी है, जैसे यहाँ पर सिल्वर कलर का है ये, तो ये हमें दिखाएगा कि कितनी जो टोलरेंस है, ये आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जो परसेंटेज है एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस की, वो दिखाएगा, कुछ भी कह लीजिए कि टोलरेंस या फिर परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पहली स्ट्रिप है हमारी, ये ब्राउन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कलर जो है ये ब्राउन है, दूसरा कलर रेड है, तीसरा कलर ग्रीन है, और जो ये फोर्थ कलर है ये सिल्वर है, यही है। तो हमें क्या करना है, टेबल से इसको किस तरह से देखना है, तो टेबल को देखते हैं, ब्राउन, रेड, ग्रीन और सिल्वर। तो चलिए, अब ब्राउन के लिए हमारा बी लेटर है और नंबर है वन, तो ब्राउन के लिए वन। दूसरा कलर है हमारे पास रेड, तो रेड के लिए जो नंबर है टू, तो यानी कि ब्राउन के लिए वन नंबर और रेड के लिए टू नंबर। तो यहां पर पहले हम ब्राउन और रेड का नंबर लिख लेते हैं, जो कि हमने बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ब्राउन का वन और रेड का टू, ये हमने लिख लिया। ग्रीन जो होगा, थर्ड जो होगा, वो मल्टीप्लायर होगा। अब मल्टीप्लायर को देख लेते हैं, ये ग्रीन है हमारे पास, तो ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर हमें देखना है, मल्टीप्लायर ये है 10^5, देखिए ऊपर मल्टीप्लायर है, तो 10^5 ये हमारे पास मल्टीप्लायर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 10^5, ये हो गया हमारा ओम के अंदर सारा। अब प्लस माइनस, जो कि टोलरेंस है, अब ये सिल्वर, जो सिल्वर कलर का बैंड दिया गया है, सिल्वर कलर का बैंड है, तो यहां पर ये जो बैंड कलर है, ये हमें फोर्थ नंबर पे देखना है, सिल्वर है, तो प्लस माइनस 10%। तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस माइनस, यहां पर रहेगा 10%। तो इस तरह से जो वैल्यू है गिवन रेजिस्टेंस की आप निकालेंगे, ये क्या होगी, गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसके बैंड के ऊपर जो भी कलर थे हमने उनके थ्रू देखा, फर्स्ट और सेकंड ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो थर्ड है ग्रीन, ये मल्टीप्लायर है, और ये जो सिल्वर हमें दिया है, तो यहां पर हम देखेंगे टोलरेंस कितनी है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इस टेबल से मिल जाएंगी, और इस टेबल का यूज करके हम निकालेंगे। या फिर आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर्स है, कि जैसे कि वन और टू, जो सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं हम यहां से लेते हैं, इस जो कॉलम से लेते हैं, जैसे कि यहाँ ब्राउन था और रेड था, हमने वन और टू लिख लिया था, तो फर्स्ट और सेकंड जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी यहां से लेंगे, उसके बाद थर्ड रहेगी, हम इसको थर्ड नंबर लेते हैं, कि जो मल्टीप्लायर रहेगा वो यहां से लेते हैं, और जो फोर्थ रहेगा हमारा, वो टोलरेंस रहती है, वो हमारा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर है, गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% लेंगे, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% लेंगे, और कोई भी कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20% लेंगे। और इस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, आसान है। तो यही होता है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।